लालू यादव जी का हम सब के बीच में रहना बहुत आवश्यक है। हम सकून से कह सकते हैं वो लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात करने के बाद पप्पू यादव जैसे ही पटना पहुंचे उसके बाद मीडिया ने पप्पू यादव को घेर लिया। लालू यादव के बारे में हर कोई जानना चाह रहा था कि लालू यादव की मौजूदा हालात कैसे हैं, तबीयत में कितना सुधार हुआ है और किस प्रकार से धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो कितने दिनों के अंदर अंदर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने चाहने वालों के बीच में आ जाएंगे। ये तमाम सवालों पर जवाब टटोलने की कोशिशें चल रही थी। इसी बीच सबकी नज़र पप्पू यादव पर पड़ी और पप्पू यादव भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद मीडिया के सामने आकर के खूब बोले। देखिए अपने पूरे बयानों में लालू यादव को लेकर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। मुलाकात की है, उनका सेहत कैसा है? भैया हम इतना ही काम से हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके पास के साथ उनकी उपस्थिति चुनाव मात्र देश के राजनीतिक संकट के बीच बना और वर्तमान समय में जब कई सारे बिरले नेता कंपित रूप से जिनकी भूमिका इस देश के सामाजिक सोशल जस्टिस या जेपी लोहिया गांधी के विचारों पर चले, बहुत सारे लोग चाहे रामविलास जी हों, बिहार के सड़क जी हों, बहुत सारे लीडर जो रहते हुए भी राजनीतिक रूप से लुप्त हो गए, कुछ लोग नहीं हैं। उस वक्त लालू यादव जी का हम सब के बीच में रहना बहुत कुछ आवश्यक है। हम सकून से कह सकते हैं वो लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। बस परवेज के साथ 10 डॉक्टर की जरूरत है, उनके पूरे परिवार के लोग, उनकी सौ बेटियाँ और उनके सुचिंतक कंप्लीट रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खड़े हैं। भारत सरकार से लेकर बिहार से ऐसे समय में लालू यादव जी के साथ पूरा देश ही नहीं पूरी सरकार भी खड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ सबकी दुआएं उन्हें अविलंब करके। आपको बता दें कि सीढ़ियों से फिसलने के बाद लालू प्रसाद यादव राजधानी पटना में राबड़ी आवास के अंदर गिर गए थे, जिस वजह से कंधे में फ्रैक्चर आ गई थी, यानी कंधे की हड्डियां टूट गई थी। उसके बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी स्थिति में सुधार न होता देख परिवार के लोगों ने उन्हें दिल्ली एम्स ले जाने का फैसला किया। बाई एयर एम्बुलेंस उन्हें दिल्ली एम्स में ले जाकर एडमिट कराया गया। उसके बाद से लगातार लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार होता नजर आ रहा है। आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव की बेटिया मिसा भारती ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लालू प्रसाद यादव की मुस्कुराती हुई तस्वीरें डाली थी और कहा था कि बॉडी लग जैसी अब समस्या से निबट चुके हैं और ऐसे में लालू प्रसाद यादव धीरे धीरे करके स्वस्थ हो रहे हैं, बेहतरीन की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव कितनी जल्द अपने चाहने वालों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हो जाते हैं। वैसे लालू प्रसाद यादव को लेकर के तमाम जगहों पर दुआओं का दौर शुरू है, हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा है, ऐसे में दुआओं का असर तो होना ही था। लालू प्रसाद यादव के लिए हम भी दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के एक बार फिर हम सबके बीच में उपलब्ध हो जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।